राधे कृष्णा, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप किट का रिव्यू नहीं डाल रहे हैं आजकल, तो मैं यहाँ पर किट का रिव्यू थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ कि कॉमनली किन समस्याओं का, साधारणतः या मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कोई पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ख़ास करके तब, मुख्यतः तब जब वो पेशेंट हर जगह से घूम चुका हो, निराश हो चुका हो, मेडिसिन्स उसने बहुत सारे खा ली हों, हमारी या फिर किसी और की, है ना, डाइट फॉलो कर ली हों, परंतु जो फिर रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, या फिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई पेशेंट तो डाइट के साथ ठीक हो जाते हैं, कई पेशेंट घी के साथ ठीक हो गए, कई पेशेंट लार से और कोकोनट ऑयल से ठीक हो गए, कई पेशेंट बहुत ही सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं बहुत टफ होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कर सकते हैं उसमें, और इस सीजन में, इस विंटर में हम क्या कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, इसमें मैं चर्चा करूँगा। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। थैंक्स अ लॉट सर आपके रिप्लाई के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम माई हार्ट। थैंक यू। और रिजल्ट बहुत अच्छा है सर, रियली आई अप्रिशिएट दैट। बहुत कुछ दिखाया पर कहीं रिजल्ट नहीं मिला, बट आपके पास तो रियली जादू है। मैंने अपने सब फ्रेंड्स जिसको भी पिगमेंटेशन है सबको बोला है ट्राई करो, वहाँ पे जाके देखो, ट्राई ही मत करो, करो करो मेरा देखो और तुम देखो तो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझे इतना अच्छा रिजल्ट कहीं नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला सर, इवन लेजर के बावजूद भी नहीं मिला। थैंक यू आप वंस अगेन बॉट अप इन माय हार्ट एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिव्यू था। आगे मैं एक रिव्यू और शेयर कर देता हूँ। इन्होंने कुछ समस्याएं भी अपनी शेयर की हैं साथ में, उनका भी हम समाधान आपको बताते हैं। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैंने ना आपको बताया था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस महीने ना, मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रही तो 10 दिन तक चलती रही, तो फिर मैंने TNC करवाई है, तो जिसमें क्लॉट्स वगैरह काफ़ी, मतलब यही कि ब्लीडिंग बहुत होती थी उसके लिए करवाई। तो रसोली भी है मुझे, आपको मैंने बताया था। तो अच्छा, क्या ये तो प्रॉब्लम है? एक दूसरा, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आपने 2 मेडिसिन ली थी, विटामिन ई मिली, दूसरा मुझे। ठीक है, देखिए ये जो रसोली होता है, फाइब्रॉइड आता है, सिस्ट होती है, इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर किसी माता या बहन को, या फिर कोई बहन ऐसी है जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है, या फिर शादी हो गई है कंसीव नहीं हो रहा है PCOD की वजह से, यानी कि ओवरी में जो अंडेदानी होती है वहाँ पर सिस्ट है, या फिर यूट्रस फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं, या फिर मायोम बोलते हैं कि वहाँ पर गांठे हैं, तो ऑपरेशन ना कराएं इस चीज़ के लिए। इसमें होम्योपैथी में पूर्णतः इसका उपचार है और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। 3 महीने में, 6 महीने में या 9 महीने में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अपने आसपास में किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप लीजिए, अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट आप लीजिए, पूर्णतः ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हेयर फॉल के लिए मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट है, मतलब ये ग्लोबली इफेक्ट पड़ा है सभी पर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी बीमारी की वजह से टूट रहे हैं, बस ये टूट ही रहे हैं। इसका कहना चाहिए कि इसको इडियोपैथिक रीज़न इसको बोल सकते हैं। इडियोपैथिक मतलब कि कोई मुख्य रीज़न नहीं, बस टूट रहे हैं यूं ही। या फिर ये कह लीजिए कि जब किसी मेडिकल साइंस में जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन या फिर जब किसी चीज़ का कारण नहीं ढूंढ पाते, तो फिर इसको इडियोपैथिक बोल देते हैं। इडियोपैथिक मतलब कि कारण उसका अननोन है, या फिर बस यूं ही हो रही है। ओके, आने वाले 20-30 साल में कारण पता लगे तो लगे, परंतु अभी तो इडियोपैथिक है ये। तो बाल जो टूटे उसका कारण ये था। तो अब इसमें ट्रीटमेंट, कई लोगों ने कई ट्रीटमेंट ट्राई किए, मल्टीविटामिन्स दिए, डाइट में चेंजेस किए, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन दी, परंतु शैम्पू तेल बहुत लोगों ने चेंज किए, 0 इफेक्ट। सबसे अच्छा इफेक्ट पता क्या पड़ा? सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ा जो मैंने आपको बताया था यूट्यूब पर। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन मैंने उसमें कहा था कि आप जितना लंबा हो सके अपने बालों को मत धोइए,
यानी कि सर को आप मत धोइए, अगर आप सर नहीं धोएंगे तो आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। अब कई लोगों को इलॉजिकल लगा, परंतु उसमें लॉजिक ये था कि जब आप शैम्पू करते हैं सर में, है ना, शैम्पू करते हैं तो शैम्पू जो है वो आपके बालों की ऊपर की परत उतार देता है, जिसकी वजह से आपके बाल मुलायम और सिल्की हो जाते हैं। मुलायम और सिल्की क्यों होते हैं? क्योंकि जो ऊपर के बालों के जो हार्ड लेयर होता है ना, वो उसको पतला कर देता है। यानी कि कहना ये चाहिए, अगर आप अपने बालों में डेली ही शैम्पू करें तो आपके बाल पतले 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 और पतले होते जाएंगे। फिर इस तरह का कोई सीजन आ जाए जिसमें बाल बहुत अधिक टूटते हैं, फिर इस तरह का कोई रोग आ जाए जिसमें बाल अधिक टूटते हैं, तो फिर तो बस समझिए कि बाल ख़त्म ही हो गए आपके। तो इस सीजन में यही हुआ कि कई लोगों के आधे बाल सर से साफ हो गए। अब सॉल्यूशन कोई था नहीं इसका। अब सॉल्यूशन अंत में जाके बस यही होता है कि आप सर को मत धोइए। सर को ना धोने से पता क्या इफेक्ट हुआ? सर को ना धोने से ये इफेक्ट हुआ कि जो बालों की जो थिकनेस थी वो बढ़ना शुरू हो गई। यानी कि जब अपने बाल साफ शैम्पू से नहीं धोए तो जो बालों की ऊपर की जो लेयर थी वो नहीं उतरी, वो पील नहीं हुई, जिसकी वजह से बालों की थोड़ी सी मोटाई बढ़ी। मोटाई बढ़ने से उसकी जड़ के अंदर भी मोटाई बढ़ी, और जब जड़ के अंदर मोटाई बढ़ी तो उसने स्किन को पकड़ लिया, है ना, या फिर स्किन ने आपके बाल को पकड़ मजबूत बना लिया उस पर। और जब 15 दिन बाद पेशेंट ने सर धोया तो एक बार में ही बाल टूटने बंद हो गए। तो ये वाला काम आप अवश्य करें, और इसके पीछे ये लॉजिक था, ठीक है। वैसे तो ये कहते हैं कि जब बाल टूटते हैं तो अधिक से अधिक बालों का ध्यान रखिए, अच्छे से रेगुलर शैम्पू कीजिए, बालों को अच्छे से धोइए, परंतु मैं ये कहता हूँ कि मत धोइए बालों को, है ना, क्योंकि ये कुछ क्लिनिकल क्लिनिकल चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं और हमें इफ़ेक्ट दिखते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। अब रही चेहरे की बात, है ना, अब जिन लोगों को पिगमेंटेशन होता है कहने में थोड़ा सा पता लग रहा है, पर तो पिगमेंटेशन में भी यही है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट की पिगमेंटेशन नहीं जा रही है ना, तो वो ये करके देख सकता है, परंतु आज के टाइम में कुछ लोग, मतलब लोग ऐसा करेंगे नहीं। पता क्या करना है, क्या बोलो, आप समझोगे पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, चेहरे को नहीं धोना है ना। अभी आप सोचोगे कि चेहरे को बिना धोए कैसे काम चल जाएगा। मैं बिल्कुल सही बात आपको बता रहा हूँ, चेहरे को वॉश नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि पिगमेंटेशन आपके बहुत बहुत जल्दी ठीक हो जाए, चेहरे को वॉश मत कीजिए। कितने लंबे समय वॉश नहीं करना, देखिए वैसे तो पूरे दिन में एक बार वॉश कीजिए, है ना, 2-3 बार वॉश मत कीजिए। अगर आप निकाल सकते हैं तो पूरा एक दिन का गैप कर लीजिए, 24 घंटे वॉश मत कीजिए, 48 घंटे वॉश मत कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं, वाकई में अगर इस चीज़ में पूरी की पूरी श्रद्धा है, तो 48 आवर्स या फिर 10 दिन 15 दिन, लेकिन मुझे पता है कि ये इलॉजिकल हो जाएगा बिल्कुल, है ना, नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इतने दिन अगर आप चेहरे को वॉश नहीं करेंगे तो पता क्या होगा, आपके चेहरे के ऊपर एक मोटी लेयर जम जाएगी आपकी डेड स्किन की, जो कि आपकी डेड स्किन होगी, चेहरा आपका ख़राब लगने स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों में ही। और उसमें क्या होगा कि उसमें एक डेड लेयर आपके ऊपर जम जाएगी जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना काम करेगी। उससे पता क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी पिगमेंटेशन अंदर से बहुत तेज़ी के साथ में जाने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप स्किन को लगातार धो नहीं रहे हैं, आप ऊपर की लेयर को हटा नहीं रहे हैं, और जब ऊपर की लेयर को आप नहीं हटाएंगे, अंदर से उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगी आपकी स्किन को, है ना। जब आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी तब आपकी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में जाएगी, और जब 15 दिन बाद, अब 20 दिन बाद जब चेहरे को आप धोएंगे तो फिर आप देखना कि बस चमत्कार ही हो जाएगा। करके आप देखिए, कोई किसी मेडिसिन की आपको आवश्यकता नहीं है, करके देखिए, ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं चीज़ें, है ना। तो आप प्लीज़ आप करें। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर 15 दिन के बाद चेहरा धोएंगे तो ऑटोमेटिकली वो साफ ही रहेगा, है ना। तो आप उसमें ये काम कर सकते हैं कि जैसे अपने फ़ोटो को आप क्लिक कर लीजिए, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद में 15 डेज बाद आप फिर से क्लिक कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि 24 घंटे में 48 घंटे में केवल एक बार धोएं चेहरे को। 15 दिन का भी आप कैप मत कीजिए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है करना, हम खुद नहीं कर सकते इसको, हमसे कोई बोलेगा तो हम भी नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 24 घंटे में केवल एक बार सुबह चेहरा धोइए, वो भी हल्के पानी से, बस
साबुन नहीं लगाना और रगड़ना नहीं है किसी भी चीज़ से। जो दही और वो मैंने बताया था, हाँ वो फेस पैक जो है उसकी चिकनाई निकालने के लिए आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप मत कीजिए। और अगर हो सके तो 48 आवर्स या फिर हो सके तो 3 दिन आप कीजिए, और 15 डेज बाद में मुझे आप बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। रिजल्ट 100% है, 100 में से 99 लोगों के ऊपर अच्छा काम करेगा ये। चलिए आगे इनका कमेंट सुन लेते हैं। फेस का फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैं क्लिक कर रही हूँ तो फेस ना वो उसमें से क्लियर नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक ड्रॉ करके ना फेस का उस बताऊंगी किस पोर्शन में अंदर वाली साइड से ना ब्लैक लग रहा है, ऊपर स्किन ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब ये नहीं कहूँगी फर्क नहीं है, बहुत फर्क है पहले से, लेकिन अंदर से ना कुछ एरिया अंदर से वो एक पैच होता है ना जैसे ब्लैक कलर का वैसा पड़ गया हुआ है फेस पे ना, वो नहीं जा रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि हार्मोनल इम्बेलेंस की मुझे खानी चाहिए, तो आप जब मेरी मेडिसिन बनाओगे तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना प्लीज़, एक हार्मोनल इम्बेलेंस की हो उसमें थोड़ी मेडिसिन, और जो बार बार चल रहा है हेयर फॉल हो रहा है उसकी वो उसकी मेडिसिन मुझे दो, तो जो आप मुझे लिखी थी ना दो मेडिसिन विटामिन ई मिल गया दूसरा नहीं मिला वो मुझे उसकी मैं पेमेंट कर देती हूँ और मुझे वहाँ से भेज दो वो कैप्सूल्स भी, और बस इतना ही बताना था आपको, तो बाकी आप देख लो खुद ही, तो अभी मैंने जस्ट ऑपरेट करवाया है तो मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही ज़्यादा, आप देखो क्या रिपोर्ट्स आती हैं फिर उसके बेस पे 1 महीने बाद फिर मैं रसोली का भी शायद करवा दूँ अपनी, तो बस यही प्रॉब्लम है, तो फेस का बस कुछ पोर्शंस रह गए हैं जैसे बहुत ऊपर तो ऑलमोस्ट क्लियर है, अंदर वाली जो अंदर से स्किन है ना वो नहीं मतलब चीज नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कमेंट आपने सुन लिया इनका पूरा यहाँ पे ना। तो इन्होंने कहा कि बहुत साफ़ है चेहरा लेकिन एक शेड सा है वो नहीं जा रहा है त्वचा के ऊपर से। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ जो कि आप सभी ने करनी है। आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, वो चाहे मेडिसिन से हो रही है या फिर चाहे डाइट से हो रही है या फिर मतलब किसी भी चीज़ से, अगर आपकी पिगमेंटेशन इन अ राइट वे ठीक हो रही है तो आपने एक चीज़ और करनी है। अच्छा, पीछे एक चीज़ बताना भूल गया कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब कुछ भी नहीं लगा सकते चेहरे पर, तो उनको ये चीज़ अवश्य लाभ करेगी और 100% लाभ करेगी। कौन सी? चेहरे को ना धोने वाली। अगर वो 48 आवर्स में एक बार चेहरे को धोते हैं तो जो स्किन की जो सेंसिटिवनेस है वो 15 से 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। आप लोग कीजिए वाला काम, है ना? ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑफिस जाना होता है, इधर जाना होता है, उधर नहीं रह सकते। तो देखिए, जो बेस्ट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, अब ये कैसे आपको एडजस्ट करना है वो आप खुद देखिए, है ना? कुछ समय के लिए आप स्किन को ख़राब रहने दीजिए, कुछ समय के लिए लोगों को बोलने दीजिए। आपको एंड रिजल्ट पता है कि एंड में तो आपको एक अच्छी स्किन मिलनी मिलनी है। आप बोलने दीजिए उनको, आप चेहरा धो के नहीं आए आज, कोई इशू नहीं है, नहीं धो के आए भाई, ये ट्रीटमेंट का तरीका है ना। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को बुखार आया है तो नहाना तो ज़रूरी नहीं है। हम किसी पेशेंट को अगर बहुत तेज़ बुखार है तो बंदा 3-3 दिन नहीं नहाता, 4-4 दिन नहीं नहाता, बहुत तेज़ बुखार में तो नहीं नहाता है ना। तो ये वो ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, अगर वो नहाएगा तो बुखार नहीं जाएगा, डेथ भी हो सकती है उसकी। तो ये भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है कि चेहरे को वॉश मत कीजिए, ठीक है? तो ट्रीटमेंट करने में समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्या आती है जब पेशेंट की अपर लेयर भी बिल्कुल ख़राब हो। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अपर लेयर को ठीक करने के लिए, हमने कई ड्रॉप बताई पेशेंट को, कुछ चीज़ें लगाने के लिए बताई, विटामिन्स दिए, परंतु ऐसा नहीं था कि रिज़ल्ट नहीं मिले। रिज़ल्ट मिले परंतु उतना सेटिस्फाई नहीं थे रिज़ल्ट से, यानी कि अगर 100 पेशेंट ने यूज़ किया तो 60 को या 70 को मिले, जिनमें से 30-40 का तो ईजिली ठीक हो गया, 60-70 को रिज़ल्ट मिले, लेकिन उनका क्या जिनको रिज़ल्ट नहीं मिले, है ना? उनके लिए फिर लगातार चीज़ों को अपडेट करते जाना, अपडेट करते जाना, अपडेट करते जाना, और अपडेट करते करते अब हम यहाँ पहुँच गए। चीज़ों को देखते देखते, सीखते सीखते, आप लोगों का एक्सपीरियंस लेके और चीज़ों को अपडेट करते करते हम यहाँ पहुँच गए कि आप ये फेस पैक आप लगाइए, और फेस पैक में प्री एंड प्रोबायोटिक डालिए।
मैंने एक कैप्सूल बताया था, आप एक की जगह दो कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए खट्टी दही नहीं डालनी है उसके अंदर। अगर किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे दही से एलर्जी है या फिर आपको हल्दी सूट नहीं करती या फिर बेसन सूट नहीं करते, तो आप रहने दीजिए, उनको मत डालिए, बाकी चीज़ें आप डालिए, है ना। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि शहद और घी आपस में नहीं, शहद और घी नहीं लगाना चाहिए। वो मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं लगाना चाहिए और किन लोगों को नहीं लगाना चाहिए और किन लोगों को लगाना चाहिए, मैं बता दूंगा। देखिए हमारे पास में सभी मरीज पित्त वाले प्रकृति के हैं, तो वो बेफिक्र होकर आप लगाइए, नहीं आपको कोई इफेक्ट मिलेगा उससे, साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ जिन लोगों की प्रकृति बात है, बात वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु आप जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं उनमें से सभी के सभी लोग पित्त प्रकृति के हैं। ओके, क्योंकि जो हमारे वीडियो में जितने भी लोग जितने व्यूज देखते हैं सभी की प्रकृति पित्त है। आप आराम से लगाइए उसको, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपको, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, ठीक है, इफेक्ट ही मिलेगा और बहुत अच्छा आपको इफेक्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो सबसे पहले आप स्किन फास्टिंग करें, यानी कि चेहरे को धोना नहीं, उसको स्किन फास्टिंग बोलते हैं कि कुछ नहीं किया चेहरे पर 48 घंटे आप कीजिए, 1 महीने में आपकी स्किन पूरी चेंज हो जाएगी, यानी कि आपके जो सेंसिटिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप इस पैक को लगाइए। ठीक तो होना ही है ना, तो करना तो पड़ेगा ये चीज़ें, थोड़ी चीज़ें अटपटी सी हैं परंतु अब ये कीजिए। देखिए मैं बताते हुए मैं हेजिटेट कर रहा था इस चीज़ को, बाकी मैंने कई पेशेंट को बताया क्लिनिक पर ये, और लाभ मिलता है उनको और लोग करते भी उस चीज़ को। मैंने खुद एक बार अपने, आप जानते ही हैं कि अब अगर कोई भी मैं नई चीज़ आपको बताता हूँ तो सबसे पहले अपने ऊपर देखता हूँ। एक दिन 5 दिन तक चेहरा नहीं धोया, और 5 दिन के धोने के बाद में फिर मैंने अपने चेहरे को वॉश किया, यानी कि अब लगा लीजिए कि कैसी हालत हो गई। मुझे क्लिनिक पर भी बैठना होता था, परंतु आई डोंट केयर, उस चीज़ के लिए मैं चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि लोग चेहरे की वजह से नहीं आते हैं, लोग आते हैं ट्रीटमेंट की वजह से और थोड़ा बातों की वजह से भी, है ना। तो चेहरे की वजह से नहीं आते हैं, तो बातों की वजह से आते हैं और ट्रीटमेंट की वजह से आते हैं, और जो चीज़ हम बताते हैं वो लाभ करती है उस वजह से आते हैं। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब पेशेंट की अपर लेयर भी बिल्कुल डेड हो और जब अंदर की चीज़ें, अंदर तो चलो मेडिसिन चल रही है परंतु तो अपर लेयर ठीक से वर्क नहीं कर रही है। अब उसके लिए हमने आपको बताया फेस पैक। ये फेस पैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें प्रियन प्रोबायोटिक है। प्रियन प्रोबायोटिक एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है, और जब हेल्दी बैक्टीरिया आपकी स्किन में होते हैं जो कि आपकी स्किन के सारे फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कितना तेल निकलना है, कितना पसीना निकलना है, कितनी किरण अल्ट्रावायलेट रेज कितनी अंदर जानी है, कितनी बाहर रुकनी है, कितनी डेड लेयर आपके त्वचा के ऊपर जमा होनी है, वो सब बैक्टीरिया तय करते हैं। सूरज की तेज़ रोशनी में आके, हीट के एक्सपोजर में आके, या फिर कोई कॉस्मेटिक लगा के, या फिर फेशियल करा के, या फिर स्किन को रब करके आप बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, नींबू रगड़ के बैक्टीरिया को किल कर देते हैं आप। तो वही बैक्टीरिया बनाने के लिए, जब बैक्टीरिया बनेंगे तो वो आपकी स्किन को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर में पेनिट्रेट करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव है। हमने जितने भी पेशेंट को बताया है, लगभग 100 में से 95 पेशेंट ने बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू किया है कि हाँ फेस पैक बहुत ही अच्छा है, इसको लगाने के बाद में किसी मॉइस्चराइज़र की आवश्यकता नहीं होती, शाइन रहती है चेहरे पर, स्किन मुलायम हो जाती है, और हाँ एक ब्लैक सी परत थी, थिक सी लेयर थी चेहरे पर, वो हट गई है। वो क्यों हटी? क्योंकि बैक्टीरिया ने उस जगह को जाके हील किया। तो आप ये किट आप जरूर लगाइए, जो डाइट हमने बताई थी किट के साथ में वो आप लगाइए, स्किन की फास्टिंग कीजिए, देन थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और उसके बाद में कहीं मेडिसिन का नंबर आता है। ओके, तो आप ये काम कीजिए। तो ये अभी तक आज तक का हमारा एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ में शेयर किया। आगे जो भी प्रश्न है आप प्लीज़ आप पूछिए, और हाँ खुश रहिए और निराश मत होइए, क्योंकि देखिए हर चीज़ हर किसी को ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए मैंने जैकेट पहना हुआ है रेड कलर का, अब ये थोड़ी ना कि ये मेरे से मोटे बंदे के ऊपर आ जाएगा, या भाई मेरे से पतले बंदे के ऊपर, ये मेरे ही फिट होगा ना। इसी तरह तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के ऊपर फिट हो पाती हैं, हर किसी के ऊपर फिट नहीं हो पाती है। तो अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक नहीं होंगे, आपके लिए कुछ और चीज़ होगी। आप हमें बताइए, हम आपको उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ के देंगे आपके हिसाब से, है ना। तो हाँ, और हम ढूंढते भी हैं, तभी तो हमने यहाँ पर ये फेस पैक दिया अपडेट करते करते। चलिए जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। ईश्वर करे कि आप जल्दी ठीक हो और परमात्मा सभी का भला करे।